विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े उत्तराखंड का सियासी पारा चढ़ने लगा है। भाजपा जहां अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान करने में जुटी है, तो विपक्ष भाजपा सरकार को घेरने में जुटा है। मंगलवार को बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महानगर में जोरदार प्रदर्शन किया। महानगर अध्यक्ष डिंपल पांडे के नेतृत्व में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ताओं ने बुद्ध पार्क में सरकार के खिलाफ आग उगली। आप नेता डिंपल पांडे का कहना था कि देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर सरकार आत्मनिर्भर भारत की बात करती है, जबकि जनता महंगाई की आग में झुलसी जा रही है। कोरोना काल में एक तरफ अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, तो गरीब आदमी आत्महत्या के लिए मजबूर हुआ। ऐसे में हर चीज पर बढ़ते दामों ने जनता का दम निकाल दिया है। आप नेता डिंपल पांडे का कहना था, पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं घरों का बजट बिगड़ चुका है। आइए सुनते हैं क्या कह रही हैं आपके दिग्गज नेता डिंपल पांडे। सर देखिए, महंगाई किस कदर प्रभावित कर रही है ये तो आप सारी जनता ही जानती है और आप हम भी बड़े अच्छी तरह से जानते हैं। डीजल पेट्रोल 100 के पार जा चुका है, सरसों का तेल 200 के आसपास है और तमाम दालें, आप खाद्य सामग्री ले लेंगे, महिलाओं की स्थिति बिगड़ चुकी है, रसोई की स्थिति बिगड़ चुकी है, तो बच्चों की फीस हो गई, तमाम चीज़ें हैं जो महंगाई जिस कदर बढ़ रही है उस पर अंकुश लगाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन किया। अच्छा, किस चीज़ को जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? देखिए, जो सीट पे बैठा होता है, कुर्सी बैठा था, वही जिम्मेदार है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो जिम्मेदार वही है, अपनी जिम्मेदारियों से वो मुंह नहीं उड़ा सकते। अच्छा, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से उत्तराखंड में अभी शुरुआत कर रही है, अपनी पहली पारी खेलने जा रही है, क्या लगता है 2022 का रण किस तरीके का होगा आम आदमी के लिए? देखिए, हमने इसको एक चैलेंज के रूप में बहुत अच्छी तरह से, आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी के साथ आई है, पूरी प्लान के साथ आई है, अरविंद केजरीवाल जी की सोच के साथ आई है और इसका जीता ज़्यादा जो उदाहरण है दिल्ली है, उदाहरण हम लोग के सामने, हमारी प्रदेश की जनता के सामने, तो हम लोग यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आए हैं। तो और जिस तरह जनता का साथ हमें लोग को मिल रहा है, जिस तरह से जनता की एक हम लोग को सोच मिल रही है, तो हम लोग को पूरी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है। अच्छा, सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल न्यूज़ जंक्शन 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें।